Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic infectious diseases. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि infectious diseases क्या होते हैं और उनका, जैसे हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कशन देखा था कि infectious diseases मतलब जो वन टू वन कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं, ठीक है। और infectious diseases भी अलग अलग लेवल के infectious, उनका लेवल जो है अलग अलग हो सकता है और उनके फैलने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उन कॉजल ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हम उनको, क्योंकि उनको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जब समझेंगे उन ऑर्गेनिज्म को तभी हम उनका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर वो हम उनसे कभी इन्फेक्टेड हो जाए तो उसके लिए क्या हम क्योर उनका कैसे कर सकते हैं, उस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं, क्या इलाज करवा सकते हैं, इसके लिए भी हमें उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में जो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि वो कॉजल ऑर्गेनिज्म जिनकी की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं पहले देखते हैं कि वी हैव सीन दैट द इंटायर डायवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। तो अर्थ के ऊपर बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एनिमल हो, प्लांट हो, तो उनमें बहुत ज्यादा विविधता, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। तो लेकिन हम इन सब ऑर्गेनिज्म को एक साथ अलग अलग करके स्टडी करेंगे तो फिर हम सबको स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, हम सबको जान ही नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया है कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं उनको कुछ ग्रुप्स में कर दिया है कि जैसे अगर हम हर एक, जैसे क्लास के हर एक बच्चे को तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम एक ब्रॉड ग्रुप बना देते हैं, गर्ल्स का ग्रुप और बॉयज का ग्रुप, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं, बॉयज के लिए कुछ कॉमन चीजें होती है, ऐसा डिवाइड कर देते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल को न स्टडी करके हम उस ग्रुप को स्टडी करें ताकि हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को कवर कर सके, ठीक है। सो ग्रुप करना बहुत ही फायदेमंद चीज है ताकि हम एज ए होल उस स्पीसीज को स्टडी कर सके, ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ऑन होल लार्ज स्केल पे देखा जाए तो उनके अंदर बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि अगर हम गर्ल्स और बॉयज जैसे डिस्टिंग्विश करते थे दो ग्रुप्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं या सारे लड़के एक जैसे होते हैं, इंडिविजुअल भी डिफरेंसेस उनमें होते हैं, लेकिन वो बाय एंड लार्ज गर्ल्स जो है बॉयज से अलग होती हैं, है ना, या बॉयज गर्ल्स से अलग होते हैं। तो ये अगर ब्रॉड लेवल पे किया जाए तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हमने, जो कि डिजीज कॉज करते हैं, उनकी भी हमने कैटेगरी बना दी है, ठीक है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया एक कैटेगरी है जो कि इंफेक्शियस डिजीजेस कॉज करता है। इसके अलावा फंजाई, ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और तीसरी है वायरसेस, तो ये, या प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है जो कि हमने बनाई है कि वो क्या क्या डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीजेस आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंजाई एंड सम आर सिंगल सेल एनिमल्स और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोअन, ये चार ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके की अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ज्यादातर इंफेक्शियस डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि सम डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स और वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड। वही कुछ डिजीजेस वॉर्म्स यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होते हैं, जैसे कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर वॉर्म्स होते हैं जिनके की वजह से डिजीजेस होते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आपको एक ब्रॉड पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है। इसमें सार्स जो वायरस होता है सार्स, उसकी एक फोटोग्राफ दिखाई गई है कि वो एक सेल से डिवाइड होकर के कैसे निकल रहा है। यहाँ पे एक स्केल है 500 नैनोमीटर की, ये जो लाइन दी गई है वो 500 नैनोमीटर, यानी इतने इतना बड़ा एरिया 500 नैनोमीटर है। तो वायरस का शेप तो इतना ही है, यानी कि लगभग इतना ही है, ठीक है। तो 10 times 500 यानी 5 नैनोमीटर का ये वायरस हो सकता है, ठीक है। इतना मतलब छोटा वायरस है, तो खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते हम इसको, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ SARS वायरस एंड कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। द वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर विच इज हाफ अ माइक्रोमीटर। 500 नैनोमीटर मतलब एक माइक्रोमीटर का आधा, विच इज 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। द स्केल लाइन गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट आर। तो ये स्केल इसीलिए बनाई जाती है कि हमें ये पता रहे कि हम जिस चीज को देख रहे हैं कि उसका वो कितने साइज का है, क्या उसका आकार हो सकता है, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो सीडीसी एक जर्नल से ली गई है यूएस के, ठीक है। इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस एक जर्नल है सीडीसी का, उससे ये फिगर ली गई है। दूसरी पिक्चर आप देख सकते हो स्टेफाइलोकोकाय, जो हमारी स्किन पे एक्ने होती है, ठीक है, पिंपल्स होते हैं, वो ये बैक्टीरिया कॉज करता है। इसका नाम है स्टेफाइलोकोकाय और द बैक्टीरियम विच कैन कॉज एक्ने। अपार्ट फ्रॉम एक्ने और भी डिजीजेस, स्किन डिजीजेस कॉज करता है। द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप लेफ्ट विच इज 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। तो ये 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग की स्केल लाइन दी गई है, इससे आप इसका साइज अनुमान लगा सकते हो, यानी ये 2 माइक्रोमीटर का ये बैक्टीरिया होगा क्योंकि लाइन के आधे में है, ओके। सो अब हम देखते हैं थर्ड पिक्चर है पिक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये खुली आंखों से दिखते नहीं है। इनके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बहुत साल उन्होंने इन बीमारियों के ऊपर काम किया और उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये बीमारी जो है किसी भी श्राप का या भगवान के प्रकोप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये बीमारियां, इन बीमारियों के पीछे कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं जो कि जिनकी की वजह से बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सारे साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, ओके। सो पिक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा अ प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी होती है जो कि ट्रिपैनोसोमा एक प्रोटोजोआ है उसकी वजह से होती है, और इस प्रोटोजोआ के कुछ वैक्टर्स भी होते हैं जैसे सैंडफ्लाई, ठीक है। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू द सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव अस एन आइडिया ऑफ द स्केल। तो ये रेड ब्लड सेल है, ये जो गोल सा दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल है, और ये जो व्हाइट है ट्रिपैनोसोमा है। ये दोनों को साथ में पिक्चर लेने का एक है कि जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज हमें पता है कि इसका साइज इतना होता है, इतना डायमीटर होता है। तो उसके कंपेरिजन में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या ट्रिपैनोसोमा का साइज क्या है, ठीक है, इससे उसको साइड में रखा गया है, ठीक है। सो इसके लिए कोर्सी भी दी गई है ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी यूएस से ये इमेज ली गई है। और जब भी हम किसी इमेज को यूज करते हैं वी शुड गिव द कोर्सी कि हम ये कहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो आप, ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर है लिस्मेनिया की, ठीक है। लिस्मेनिया एक जो है प्रोटोजोआ है जो कि काला अजर नाम की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले काला अजर बहुत जो है खतरनाक बीमारी होती है, बच्चों में बीमारी होती है, अगर इसका टीका ना लगे तो ये बहुत जानलेवा है, दम घोटने वाला बीमारी है, ठीक है। सो पिक्चर ऑफ लिस्मेनिया द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस काला अजर। द ऑर्गेनिज्म आर ओवल शेप एंड ईच वन हैज वन लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। ये आप विप लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो इसका, ठीक है। ये जो है ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, ये चाबुक जैसा स्ट्रक्चर है ना इसमें, उसी को कहा गया है, ठीक है। और वन ऑर्गेनिज्म एरो इज डिवाइडिंग व्हाइल अ सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम लोअर साइड हैज ग्रिप्ड ऑन द टू विप्स ऑफ द डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेंडिंग सेल प्रोसेसेस टू ईट अप द ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसता है तो हमारी जो डिफेंस है हमारी बॉडी का, जो हमारी इम्यून सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो इन ऑर्गेनिज्म से लड़ाई भी करती हैं, इनको खत्म करने की कोशिश करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाती है, इनको इंगल्फ कर देती है, इनको
काट पीट देती है, लेकिन जब लड़ाई में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीत जाते हैं तो हम डिजीज्ड हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को डिजीज नहीं होती है, क्योंकि उनकी इम्यून सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स को हरा देती है। लेकिन कुछ लोग जिनकी की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है या फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, वो इन डिजीजेस का कई बार शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सो द इम्यून सेल इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये इम्यून सेल है, नीचे जो है यहाँ एक फाइट दिखाई गई है आपकी जो है जो प्रोटोजोआ है लिशमेनिया, और उसमें इम्यून सेल ने ये इम्यून सेल जो है इसको इंगल्फ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो ये एक फाइट दिखाई गई है जो ये इमेज है आप देख रहे हो 13.1E में, पिक्चर ऑफ एन एडल्ट राउंड वॉर्म जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इसका नाम है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द रूलर नेक्स्ट टू इट शोज 4 सेंटीमीटर टू गिव अस एन आइडिया ऑफ द स्केल। ये 4 सेंटीमीटर की स्केल है, सोच लीजिए कीड़ा कितना लंबा होता है। पेट से किंचू जैसे कीड़े निकलते हैं, जब बच्चों के पेट में ये कीड़े जो है काफी दिनों तक रह जाते हैं, तो उन बच्चों को भूख नहीं लगती, उन बच्चों का सारा खाना ये कीड़ा खा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस है, ये भी जानलेवा हो सकता है अगर इसका इलाज ना हो समय से। तो सोचिए ये राउंड वॉर्म्स बच्चों के पेट से निकलते हैं तो ये कीड़े पड़ जाते हैं, खासकर मिट्टी जो बच्चे खाते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, सो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगी फीवर एंड एड्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कुछ डिजीजेस के जो कि जिनका की कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, वायरसेस। ठीक है, जैसे कि जो हम कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा वो भी एक सर्दी जुकाम का एक बड़ा रूप है, जैसे कि आप कह सकते हो कि COVID-19 इज अ इन्फ्लुएंजा टाइप का डिजीज है। ठीक है, डेंगी फीवर ये भी एक वायरस के थ्रू होता है, और एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। सो डिजीजेस लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वहीं पे कुछ डिजीजेस जैसे कि टाइफॉइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब किसकी वजह से होती है, इनके पीछे का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। ठीक है, और मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई। और बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन जैसे रिंग वॉर्म, इस तरह से कुछ रैशेस निकल जाते हैं स्किन पे, ठीक है, काला काला हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और प्रोटोजोअन माइक्रोब्स कॉज मेनी फैमिली डिजीज सच एज मलेरिया एंड काला अजर। मलेरिया भी जो है एक प्रोटोजोअन डिजीज है, काला अजर, ठीक है, ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन एज वेल एज डिजीजेस लाइक एलिफेंटाइसिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स। ठीक है, ये वॉर्म्स जो है जब हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं तो हमें इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के बारे में जानते हो, एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव, पाँव जो है हाथी के शेप का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। ओके, या आप कह सकते हो कि ये सब के सब इंफेक्शियस एजेंट्स के थ्रू फैलने वाली डिजीज है। ठीक है, तो लेकिन हम इतना कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये वायरस से होता है, मतलब हमने तो सबसे पहले इनको एक कैटेगरी में देखा कि ऑल दीज आर इंफेक्शियस डिजीजेस, देन अगेन वी आर क्लासिफाइंग द इंफेक्शियस डिजीजेस एज द डिजीज कॉज बाय वायरस, डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉज बाय फंगस, डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इंफेक्शियस डिजीजेस को भी एजेंट्स के बेसिस के ऊपर डिवाइड करके देख रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इंफेक्शियस एजेंट्स, द आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। तो भले ही सबके सब इंफेक्शियस डिजीजेस हैं, लेकिन हम इनको फिर से कैटेगराइज कर रहे हैं इसलिए ताकि हम सही इलाज कर सके, क्योंकि एक वायरस की लाइफ साइकिल अलग है, वो जिस तरीके से एप्लीकेशन करता है, जिस तरीके से डिवाइड करता है, जिस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वो बैक्टीरिया से अलग है, बैक्टीरिया फंगस से अलग है, फंगस प्रोटोजो, यानी कि सबका सबका जो लाइफ स्टाइल है, डिवाइड करने का तरीका, इन्फेक्शन करने का तरीका, ये सबका अलग है, बैक्टीरिया का अलग है, वायरस का अलग है, प्रोटोजोआ का अलग है, फंगस का अलग है, सबका अलग अलग है। तो अगर हम सबको अलग अलग करके नहीं देखेंगे और सबको एक ही तरह का इलाज देंगे तो क्या हम कभी बीमारी से मुक्ति पा पाएंगे?
नहीं, तो जिस हिसाब से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है उसी में हम कोई लूप होल ढूंढते हैं और उनके डिवीजन को, उनके आगे अपनी संख्या को बढ़ा सकने की जो पावर है उसको कम करके उनको खत्म कर देते हैं अपने शरीर से और हम फिर से डिजीज फ्री हो जाते हैं। ठीक है, सो मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप्स, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन हैव मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ठीक है, और बहुत सारी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन भी होती है पर अलग अलग भी होती है। ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लिव इन साइड होस्ट सेल्स वेयरस बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। तो जितने भी वायरसेस हैं वो हमेशा होस्ट सेल के अंदर ही रहते हैं और होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करते हैं अपने आप को डिवाइड करने के लिए, पर बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता। बैक्टीरिया सेल के अंदर ना रह के सेल के बाहर रहता है। ठीक है, सो वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। लेकिन इनमें एक कॉमन चीज है कि ये सारे के सारे, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, व्हाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। जबकि जो वर्म्स हैं जैसे एस्कैरिस हमने देखा वो बहुत धीमे मल्टीप्लाई करता है, इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करता है। ठीक है, सो टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम टेक्सोनॉमिकली यानी डिवीजन के बेसिस पे देखें कि हमने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बहुत सारे चीजों को डिवाइड कर रखा है, वायरसेस को अलग रखा है, बैक्टीरिया को अलग रखा है, तो बैक्टीरिया भी कोई एक ही बैक्टीरिया नहीं होता, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया होते हैं। वायरस भी केवल एक वायरस नहीं होता, बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो आपस में तो अलग अलग होते हैं लेकिन वो वायरस के कंपैरिजन में एक दूसरे से थोड़ा ज्यादा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे वायरसेस भी बहुत सारे होते हैं और सब वायरसेस अलग अलग होते हैं लेकिन सारे के सारे वायरस बैक्टीरिया से अलग होते हैं और वायरसेस के बीच में कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं। ठीक है, सो ये चीज है। सो एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो जैसे किसी एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमने कोई एंटीबायोटिक बनाया तो ये चांसेस है कि वही एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया को भी की भी ग्रोथ को रोके। ठीक है, लेकिन वो वायरस की ग्रोथ को नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। तो डिफरेंट ग्रुप के माइक्रोब्स के लिए वो इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, सेम ग्रुप, जैसे एक एंटीबायोटिक अगर एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करिए तो माइट बी देयर आर सर्टेन मोर चांसेस कि वो दूसरे के लिए भी इफेक्टिव हो। हाँ, कम या ज्यादा इफेक्टिवनेस अलग चीज होती है। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स, दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। तो जैसे एंटीबायोटिक्स का जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है कि वो बायोकेमिकल पाथवे, यानी कि जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है उसमें उसके डिवीजन में अपने आप को ग्रोथ में कुछ उसके भी केमिकल रिएक्शंस को वो होते हैं उसकी बॉडी में भी, तो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को, उन केमिकल रिएक्शंस को ये एंटीबायोटिक ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जब वो केमिकल रिएक्शन ब्लॉक होगा तो बैक्टीरिया का डिवीजन रुक जाएगा, वो उसको क्लियर ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। ओके, सो मेनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जैसे आप अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने देखा था पिछले चैप्टर्स में तो बैक्टीरिया के ऊपर एक क्या होती है, सेल वॉल होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, वो एक सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया, एक एंटीबायोटिक है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो ये जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है, जिस केमिकल पाथवे से, जिस बायोकेमिकल पाथवे से बैक्टीरिया अपने ऊपर सेल वॉल बनाती है उस बायोकेमिकल पाथवे को ये पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक जाकर के ब्लॉक कर देता है, वो यानी सेल वॉल के फॉर्मेशन को नहीं होने देता है। तो जब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स हैं और जो भी हमारे इम्यून सेल्स हैं जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके लिए ससेप्टिबल हो जाते हैं और फिर उनका डिवीजन जो है रुक जाता है और उनकी संख्या कम हो जाती है धीरे धीरे बॉडी में और हम फिर से डिजीज फ्री हो जाते हैं। ठीक है, सो द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड दे डाई इजिली। ठीक है, ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे। अब क्या है,
कि अब इसमें ये भी है रीजन, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को ही आपको मारना है, आपको ये भी देखना है कि ये जो हम दवाई ले रहे हैं पेनिसिलिन, कहीं ह्यूमन बॉडी को तो नहीं नुकसान पहुंचा रही है ना। किसी मतलब किसी एक को मारने के चक्कर में हमने अपने आप को ही मार डाला ना, बदला लेने के चक्कर में अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लिया, ऐसा तो नहीं कर लिया है कहीं हमने। लेकिन हमने ये देखा कि ह्यूमन सेल जो हमारी बॉडी की सेल्स है, हमारी बॉडी की सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं होती, तो हमारी बॉडी के अंदर वो बायोकेमिकल पाथवे ही नहीं है जिसमें कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता हो। तो यानी पेनिसिलिन अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल और केवल क्या ब्लॉक करेगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल फॉर्मेशन ब्लॉक करेगा। ठीक है, सो पेनिसिलिन कैनॉट हैव एनी सच इफेक्ट ऑन अस। सो पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल्स। सिमिलरली मेनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। इसी वजह से, क्योंकि यही मैकेनिज्म बहुत सारे बैक्टीरिया फॉलो करते हैं सेल वॉल बनाने के लिए, इसीलिए पेनिसिलिन जो है एक ऐसा एंटीबायोटिक बन के उभरा कि बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव साबित हुआ। ठीक है, सो बट वायरसेस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल एंड दैट इज द रीजन वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। लेकिन अब ये जो पाथवे बैक्टीरिया फॉलो करता है डिवीजन के लिए, वायरसेस तो इसको नहीं फॉलो करते। ठीक है, इसीलिए पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक या कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी वायरस के अगेंस्ट में नहीं काम करता है, कोई उसका इफेक्ट नहीं होता वायरस के ऊपर। ठीक है, इफ यू हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सिवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन है और हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसका हमारे वायरल इन्फेक्शन के सिवियरिटी, यानी कि जैसे हमें कितना तगड़ा हमारे अंदर वायरल लोड कम हो जाएगा, या हमारा जो 10 दिन का इन्फेक्शन है वो 5 ही दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंटीबायोटिक के खाने से। लेकिन ये है कि जैसे ही हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यून सेल्स जो है वो सब वायरल अटैक से लड़ने में चली जाती हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है थोड़ी वीक हो जाती है, तो चांसेस आर देयर कि हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन तो हमें वायरस से हुआ है, बट क्योंकि वायरस अटैक की वजह से हमारी इम्यूनिटी घट गई है, हमारे वायरस जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारे गले में जो है काफी डैमेज हो जाता है, वायरस जो है हमारे गले को काफी डैमेज करता है, इस वजह से वहां की इम्यूनिटी घट जाती है, तो चांसेस आर देयर कि हमारे गले में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, और सेकेंडरी इन्फेक्शन खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए कई बार डॉक्टर हमें वायरल इन्फेक्शन में भी हमें कुछ एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करते हैं, बट वो डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं, उनको ही अपने अनुभव से अपने एक्सपीरियंस से ये पता होता है कि किस तरह के वायरल इन्फेक्शन में किस तरह का बुखार आ रहा है, उस बुखार का क्या पैटर्न है और दूसरे क्या साइंस है। ठीक है, बॉडी में या पेशेंट में, तो उसके बेसिस पे फिर वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो हाउएवर इफ वी आल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग विद द वायरल कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विद हेल्प। तो अगर हमें वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ अगर एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वक्त हमें एंटीबायोटिक्स हमारे ऊपर असर करती है। ठीक है, लेकिन केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं। सो Even then, the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. ठीक है, I hope ये concept आपका clear हुआ होगा। So एक activity दी गई है, activity 13.5, find out how many of you in your class had cold cough fever recently. तो कितने बच्चों को cold cough हुआ होगा? Almost बहुत लोगों को हुआ होगा। ठीक है, how long did the illness last? तो almost एक हफ्ता, 7 days या 5 days तो ये चला होगा। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू टुक एंटीबायोटिक, आस्क योर पेरेंट्स इफ यू हैड एंटीबायोटिक्स। कितने लोगों ने लिया होगा? कुछ लोगों ने तो लिया ही होगा। ठीक है, जिनको ज्यादा सिवियर हो गया होगा शायद। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग वर दोज हु टुक एंटीबायोटिक्स इल। तो कितने लोग जो है बीमार होने तक एंटीबायोटिक्स लेते रहे। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग वर दोज who didn't take antibiotics ill। ठीक है, कितने दिनों तक बीमार है, जिन्होंने एंटीबायोटिक ली और जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं ली, वो क्या सेम ड्यूरेशन के लिए बीमार रहे?
ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाँ सेम ड्यूरेशन के लिए वो बीमार है, क्योंकि वायरल लोड तो अपने से ही खत्म होता है। ठीक है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, कोई डिफरेंस है? हाँ, अगर जैसे कि आपको बैक्टीरियल के साथ, वायरल के साथ साथ बैक्टीरियल हुआ है, तो जैसे कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो हो सकता है कि आपका सिवियरिटी ऑफ डिजीज थोड़ी ज्यादा आपको महसूस हो, और साथ ही साथ आपको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा दिन भी लगे। ठीक है, और दूसरे में अगर जिसको केवल वायरल है, वो 3 दिन से 5 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक है, इफ यस इफ नॉट वाई नॉट, ठीक है, जैसे हमने इसको अभी डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।